ओम शांति ब्रह्मा भोजन अर्थात ऐसा शुद्ध पवित्र पावन भोजन जो हम आत्माओं को पावनता प्रदान करता है स्वच्छ बनाता है पवित्र बनाता है तो ऐसे ब्रह्मा भोजन के लिए हम अभी मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से निकाली गई पुस्तक है जिसमें ब्रह्मा भोजन के ऊपर अनेक भाई बहनों के महारथियों के दीदी दादियों के अनुभव प्रस्तुत किए गए हैं जिसके आधार पर हम इन्हें सुनकर इनका मनन कर अपने घर में भी ब्रह्मा भोजन बनाकर पिता परमात्मा को स्वीकार करा सकते हैं तो कैसे करा सकते हैं कैसे बना सकते हैं क्या करें क्या ना करें उसके लिए अनेक भाई बहनों ने अपने अनुभव अपने विचार प्रस्तुत किए आज हम ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी के विचार सुनेंगे सूर्य भाई जी से ब्रह्मा भोजन के बारे में प्रश्न किए गए उन्होंने अपने उत्तर दिए योग युक्त होने के लिए बाबा ने ब्रह्मा भोजन को प्रथम स्थान दिया सूरज भाई जी बोले योग युक्त रहने के लिए बाबा ने ब्रह्मा भोजन को प्रथम स्थान दिया प्रश्न भाई जी बाबा ने भोजन के प्रति अनेक नियम बनाए क्यों सूरज भाई जी से प्रश्न किया बाबा ने भोजन के प्रति अनेक नियम बनाए क्यों उत्तर में सूरज भाई जी बोले शुरू से ही जब से यज्ञ स्थापित हुआ तो बाबा ने भोजन को बहुत महत्व दिया क्योंकि शिव बाबा को सभी आत्माओं को पावन करना है तन को भी पावन करना है और आत्मा को भी आत्मा में है मन बुद्धि संस्कार तन की पवित्रता और मन बुद्धि संस्कारों की पवित्रता के लिए पवित्र भोजन खाना परम आवश्यक है जो मनुष्य अन्न बना रहा है उसके वाइब्रेशन को अन्न तेजी से ग्रहण करता है हम सबको जानना चाहिए कि प्रकृति हमारे वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव है जो कुछ हम सोचते हैं पानी जल सब्जी दाल चावल रोटी सब उसमें ग्रहण कर लेते हैं फिर खाने वाले के तन पर भी और मन पर भी असर डालेंगे इसलिए बाबा ने पहले से ही यह नियम रखा कि भोजन बनाने वाले जितने शुद्ध होंगे श्रेष्ठ विचारों वाले होंगे अन्न पर उनका प्रभाव आएगा और फिर खाने वालों पर भी उनका प्रभाव आएगा ऐसा वैसा खाएंगे तो कईयों में अपवित्रता जागृत हो जाएगी कईयों की एकाग्रता नष्ट हो जाएगी योग नहीं लगता इसलिए योग युक्त तो होने के लिए पवित्र भोजन को बाबा ने प्रथम स्थान दिया अगला प्रश्न भाई जी से भाई जी भक्ति मार्ग के दौरान और ज्ञान मार्ग के भोजन में क्या अंतर है भक्ति मार्ग के और ज्ञान मार्ग के भोजन में क्या अंतर है भले ही बाबा 1936 में धरती पर आए क्या 1936 से ही बाबा ने भोजन की शुद्धता के बारे में बताया या बाद में बताना शुरू किया था उत्तर में सूरज भाई जी बोले शुरू में तो भोग आदि आदि की व्यवस्था नहीं थी शुरू में तो भोग आदि की व्यवस्था नहीं थी ना उस तरह का कोई नियम कानून था लेकिन जैसे जैसे ज्ञान स्पष्ट होता गया तो शिव बाबा ने बताया कि जिसने सब कुछ दिया है उसको ऑफ़र करके ही तुम्हें स्वीकार करना है ये उसको सम्मान देना है भक्ति में भगवान को भोग लगाया जा भक्ति में भगवान को भोग लगाया जाता रहा लेकिन वह कोई पवित्र आत्माओं द्वारा बनाया गया भोजन नहीं होता भगवान अपवित्र भोजन स्वीकार करता ही नहीं है वो भोजन उस तक पहुंचता ही नहीं है हमें से भी जितना भोजन बहुत पवित्र होगा उनका ही भोजन ऊपर स्वीकार होता है बाकी किसी का नहीं प्रश्न भाईजी बाबा ने आपको भंडारे के निमित्त बनाया आप में ऐसी क्या विशेषता देखी उत्तर में सूरज भाई जी बोले ये जवाब तो वास्तव में उसके ही पास है पर मुझे जो महसूस हुआ वो यह कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को योग युक्त भोजन चाहिए था और योग युक्त भोजन बनाने के लिए पवित्र और योगी आत्माएं ही होनी चाहिए बाबा ने मेरा आह्वान किया और मैं सब कुछ छोड़कर आ गया किचन में आते ही मुझे योगी भाव का श्रेष्ठ वरदान मिला मेरा योग आगे बढ़ना और किचन का कार्य होना साथ साथ हुआ इसलिए मैं किचन और बाबा का बहुत आभारी हूँ मेरा योग बहुत अच्छा रहने लगा किचन में भोजन बनाता था साथियों को भी हम योग सिखा देते थे सब अच्छा योग करने लगे बस ये ही विशेषताएं हैं जिसके आधार पर बाबा किसी को पसंद करता है अगला प्रश्न भाई जी आपने भोली दादी के साथ भी सेवा की है बाबा भोली दादी की बहुत महिमा करते थे और उनको अन्नपूर्णा भी कहते थे भोली दादी की ऐसी क्या विशेषता थी उत्तर में सूरज भाई जी बोले भोली दादी वास्तव में बहुत अथक मेहनत करने वाली थी वह 40-45 साल की आयु में भी बहुत काम करती थी उनकी विशेषता यह थी कि वो किसी को भी नाराज नहीं करती थी किचन से जिसने जो मांगा वह दे देती थी यह हमने देखा भी और यह बहुत बड़ी विशेषता सीखी भी उनसे सबके प्रति शुभ भावनाएं रखना यह बहुत जबरदस्त धारणा थी उनमें कोई व्यक्ति यदि उनसे झगड़ा कर भी लेता और दस मिनट बाद आता तो बड़े प्यार से बात करती जैसे उनके दिल पर किसी की कोई बात ठहरती ही नहीं थी बहुत स्वीट थी गुस्सा आदि नहीं था बहुत प्यार रखती थी सबसे और बाबा के लिए तो मर मिटने को तैयार थी मैं हँसता मैं हँसा करता था बाबा यदि कह दे कि तारा तोड़ कर लाओ उसकी सब्जी बनानी है तो वह हाँ ही कहती हँसती थी क्योंकि ना करना जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था जो सदैव हाँ करते हैं उन पर भगवान सदा राजी रहता है स्पेशल बल देता है बहुत सारे देवी गुण थे उनमें अहंकार की तो बात ही नहीं थी बहुत ही सरल चित थी सेवा भावी भी बहुत ज़्यादा थी दादी की समर्पणता संपूर्ण रूप में थी अगला प्रश्न भाई जी से भाई जी योगी का भोजन किस प्रकार का होना चाहिए उत्तर में भाई जी बोले योगी को बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं जो श्रेष्ठ योगी बनना चाहता है वो एक बार भोजन करें दिन में एक बार कच्चा आहार खाए और फल दूध आदि ले ले कई लोग दूध को ना भी करते हैं हर एक देख लें किसको कैसा हजम होता है इसका ब्रेन पर अच्छा असर होगा योग के लिए हमारा ब्रेन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कमज़ोर ब्रेन वाला कभी योग नहीं कर सकता उसमें टेंशन होगी सर में दर्द होगा इसलिए भोजन भी अच्छा हो अगर युवक है वह दो टाइम भोजन करे एक टाइम फ्रूट सलाद आदि खा ले इस तरह अपने को खुद मैनेज करना चाहिए अगला प्रश्न भाई जी से भाई जी आपके कोई अनुभव जो ब्रह्मा भोजन से हुए हों उत्तर में भाई जी बोले अनुभव तो बहुत हैं पर अभी तो कम ही याद आएंगे एक अनुभव लगभग पैतालीस साल पहले का है यज्ञ में एक ध्यानी दादी होती थी जो भोग लगाती थी संदेश लाती थी वे अंबाला में रहती थी एक बार वे मधुबन में आईं और भोग लगाया भोग लगाने के बाद वे तुरंत किचन में आई उन्होंने उन्होंने पूछा भोजन कौन बनाता है आजकल मैं वहीं था उससे उसने कहा आज जितने प्यार से बाबा भोजन स्वीकार कर रहा था उतना पहले मैंने कभी नहीं देखा ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कई बार सब्जी में नमक डालना भूल गए तो सब्जी को वापस भेज दिया बाबा ने यह कहकर कि बच्चों को बोलो टेस्ट करें फिर भेजें बाबा को कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ अच्छा भोजन खाने से बीमारियां ठीक हो गईं भावना भी काम करती है मेरी भी हुई औरों की भी हुई भोजन में जो एनर्जी भरी जाती है वह भी काम करती है अगला प्रश्न भाई जी से भाई जी वैसे तो खाना खाते समय बाबा को याद करके ही खाते हैं लेकिन विशेष भोग लगाने का फायदा क्या है भाई जी वैसे तो खाना खाते समय बाबा को याद करके ही कर खाते हैं लेकिन विशेष भोग लगाने से क्या फ़ायदा है उत्तर में भाई जी बोले पहले तो दृष्टि देकर सात बार संकल्प करना चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं फिर बहुत अच्छी भावना से बाबा को वह भोजन ऑफर कर देना चाहिए कि ये तुमने दिया है तुमको अर्पित है स्वीकार करो तब हम खाएंगे इससे फ़ायदा यह होगा कि बाबा की दृष्टि भोजन पर पड़ जाएगी भोजन में अगर थोड़ी बहुत अशुद्धि होगी तो वह भी समाप्त हो जाएगी अगला प्रश्न भाई जी जब भोजन बनाते हैं उस समय हमें किस स्मृति में रहना चाहिए क्या सोचना चाहिए उत्तर में भाई जी बोले भोजन बनाते हुए योग करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं कोई यह अभ्यास कर सकता है कि बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं कोई यह अभ्यास कर सकता है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ बाबा का आह्वान कर लें महसूस कर लें कि बाबा भी हमारे साथ है उसके वाइब्रेशन भोजन में समा रहे हैं कोई कुछ स्वमानों का अभ्यास कर सकता है गीत बजाया जा सकता है ताकि बाबा से प्यार भरी बातें होती रहें इस तरह हम बाबा से जुड़े रहें हमारे वाइब्रेशन भोजन में समाते जाएं, बाकी जिसको जिसका सरल अभ्यास है वही करना चाहिए प्रश्न भाई जी से भाई जी जब अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती थी बाबा को भोग स्वीकार कराते समय चुन चुन कर भोग बाबा को खिलाते थे ऐसा क्यों उत्तर में भाई जी बोले इसका कारण यह है कि ये चीज़ें उसके पेट में जो बाबा का रथ है मान लो उसको सुगर है तो मीठा नहीं खिलाएंगे मान लो उसको एलर्जी है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं खिलाई जाएगी इसलिए चुन चुन कर भोग दिया जाता है बाबा को अगला प्रश्न भाई जी से भाई जी कई ब्राह्मण मर जीवा भोग लगाते हैं इसका क्या रहस्य है यह विधि यज्ञ में कब और किस कारण शुरू हुई उत्तर में भाई जी बोले यह भी भावना की बात है मरने के बाद कोई भोग लगाए या ना लगाए वे पहले स्वयं ही लगा देते हैं बाबा स्वीकार कर ले तो बाबा का बल मिलता है देह छोड़ने में ऐसी आत्माओं को बाबा मदद करता है अगला प्रश्न भाई जी हम यज्ञ में देखते हैं कि हर साल पूर्वजों के लिए भोग लगाते हैं उन गई हुई आत्माओं को कैसे भाषणा आती होगी उत्तर में भाई जी बोले देखिए साकार में बाबा थे तब यह प्रथा नहीं थी फिर थोड़े भावना प्रधान लोग आए उन्होंने शुरू कराया हमें यह संकल्प रहता है भावना रहती है कि उन्होंने हमारा भोग स्वीकार कर लिया वे भी तृप्त हो गए बाकी सभी पुनर्जन्म ले चुके हैं इसलिए वे किसी का कुछ खाएंगे नहीं यह केवल भावना की बात है अगला प्रश्न भाई जी से भाई जी एक कुमार भाई जिसका शराब का अंडे का मांस का आदि का धंधा है वह ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा में आता है क्या यह उचित है भाई जी से प्रश्न किया एक कुमार भाई जिसका शराब का अंडे मांस आदि का धंधा है वह ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा में आता है क्या यह उचित है उत्तर में भाई जी बोले असल में धंधा उसका शराब का हो सकता है लेकिन वह पीता तो नहीं है कोई कई ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कार्य करते हैं लेकिन उनका अपना जीवन शुद्ध होता है फिर भी वहाँ का वातावरण नकारात्मक होता है तो राय है कि ऐसा कुमार भोजन नहीं बनाए अन्य सेवा कर ले नहीं तो अनेक लोगों के संकल्प चलते हैं उसका भी नेगेटिव प्रभाव भोजन पर पड़ता है अगला प्रश्न भाई जी से भाई जी जो कुमार कुमारियां जॉब करते हैं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं लेकिन हर बार ताजा भोजन बनाकर बाबा को खिलाने का समय नहीं मिल पाता तो क्या करें उत्तर में सूरज भाई जी बोले बासी भोजन का भोग लगाया ही नहीं जाता ये भक्ति से ही चला आ रहा है और यही सत्य है ऐसे में अगर उसके लिए सुविधा हो तो रोज़ भोजन बनाए और भोग लगा दे अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है कि छुट्टी के दिन बहुत प्यार से मनाएं कि आज मेरा सुंदर दिवस है मुझे बाबा को भोग लगाना है बड़े प्यार से संडे को एक दिन बाबा को भोग लगाएं तो ऐसे सूरज भाई जी के अभी हमने ब्रह्मा भोजन पर अनुभव सुने ऐसे और भी अनुभव सूरज भाई जी के जो बाक़ी रह गए हैं वह अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे तो यह जो वीडियो है सूरज भाई जी के विचारों का अनुभव का यह सभी बी के भाई बहनों को शेयर जरूर करें यदि बाबा के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें कि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाए अच्छा ओम शांति